तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और अपने डिवाइस में साउंड प्ले करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने डिवाइस में जो साउंड प्ले है, मतलब साउंड की जो बैलेंसिंग है, उसको आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू मैं पूरी यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, साउंड के बैलेंस को आपको कैसे बनाना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके डिवाइस में कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जाती है जिससे आपका साउंड जो है लेफ्ट या फिर राइट में जो है चला ही जाता है, मूव कर जाता है, उससे आपके डिवाइस में जो साउंड की क्वालिटी है उस तरीके से आ नहीं पाती है। मीन्स पे अगर सेंटर में आपका साउंड नहीं रहता है, लेफ्ट या फिर राइट में साउंड आपका रहता है, जैसे आपको पता होगा एक फंक्शन होता है अपने डिवाइस में, आप स्पीकर को मतलब होता है ना कि एक तरफ से आप दूसरी तरफ में जो शिफ्ट कर सकते हैं या फिर सेंटर में रख सकते हैं, सेंटर में रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली साउंड देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट में या फिर राइट में चला जाता है तो आपका साउंड का वेव जो है एक ही डायरेक्शन में जो है चला जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे बैलेंस करना अपने साउंड को, पूरी ट्रिक मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, वीडियो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं साउंड बैलेंसिंग के बारे में जो बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक साउंड प्ले करके दिखाता हूँ जो कि NCS का, ठीक है, नॉन कॉपीराइट, ठीक है। जैसे साउंड मैं प्ले करता हूँ, देखिए ये फिलहाल प्ले हुआ, आपको जो देखिए इसकी आवाज जो आ रही होगी, आपको मैं इसको थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ, इसकी जो आवाज आ रही होगी आप, ये आपको सेंटर में आ रही होगी, ठीक है। अभी एक बार आप सुन लीजिए, और अब देखिए सेंटर में आ रही है ना। अब यहाँ पे अगर आपका ये सेंटर में नहीं होगा ना, तो आपकी आवाज जो है एक तरफ जो है यहाँ पे जो साउंड की वेव है एक तरफ चली जाएगी, मतलब या तो सेंटर में चली जाएगी यहाँ पे, या तो लेफ्ट में चली जाएगी या फिर राइट में चली जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं हम साउंड को जो बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, आवाज को फुल कर देते हैं, वॉल्यूम फुल कर देते हैं। अब आपको साउंड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है चैनल वॉल्यूम, ठीक है, ये देख सकते हैं ये आ गया चैनल वॉल्यूम बैलेंस को, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको सिंपली सर्च कर देना अपनी सेटिंग में जाके, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसको जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ का मिलता है, एंड यहाँ पे सेंटर, मतलब तीनों मिलता है आपको, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है। अभी देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिए मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, लेफ्ट जिसे लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा, तो आप अभी सुन लीजिएगा, आपको खुद ही रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा कि हाँ भाई लेफ्ट और राइट का कितना मतलब फर्क पड़ जाता है, एंड सेंटर में किस तरीके का फर्क पड़ता है। देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, देखिए कितना कितना काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ये अभी जो है लेफ्ट में चला गया हमारा पूरा वेव, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं पूरा साउंड जो है हमारा लेफ्ट साइड में आ चुका है। अगर मैं इसको राइट साइड में करता हूँ, देख सकते हैं अब ये राइट साइड में आ चुका है, तब भी बहुत कम है, ठीक है। अगर हम मिडिल में करते हैं, ठीक है, मिडिल में इसको हम लाते हैं, अब ये देखिए इसकी जो आवाज है मतलब काफी ज्यादा मतलब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है ना बैलेंस का, तो अगर आपको अपने ऑडियो को यहाँ पे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आपको ये जो मोड मिलता है, ठीक है, चैनल वॉल्यूम बैलेंस का, तो इस चैनल वॉल्यूम बैलेंस के थ्रू जो है आप अपने डिवाइस में जो यहाँ पे साउंड की मतलब क्वालिटी है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट या फिर राइट से जो है सेंटर में कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कई सेटिंग्स ऐसे होते हैं, या फिर आप किसी को डिवाइस दे देते हैं, या फिर किसी भी कारण से आपका जो साउंड है वो किसी एक डायरेक्शन में चले जाता है, राइट में ही चला जाता है, लेफ्ट में ही चला जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, साउंड जो एक ही तरफ प्ले हो रहा है, दोनों तरफ साउंड नहीं आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसा फील होने लगता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप जरूर से इस फीचर को चेक कर लीजिएगा, आप अपने डिवाइस में साउंड को बैलेंस को बना लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी आप कोई भी साउंड प्ले करें तो आपको एक बैलेंस मोड जो है एक्टिवेट दिखाई दे, एंड बैलेंस मोड में आप गाना को प्ले कर पाए, ठीक है। फिलहाल देखते हैं हमारा काफी अच्छे से हो गया है, और ये सुन भी रहे होंगे काफी अच्छे से आपको यहाँ पे बैलेंस मोड में जो है सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको इस बैलेंस मोड के लिए मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई साउंड के लिए, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।